करने के लिए चावल निकाल रही थी तो चावल की टंकी में हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल पूजास कॉर्नर। और मैं हूँ पूजा। तो आप लोगों ने देखा, बस मैं भी चाय बना के आई हूँ। अभी मैंने चाय पी, उसके पहले मुझे लगा मैं आपसे मिल लूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ठंड के समय जो चाय का मज़ा है ना, रियल में मॉर्निंग में चाय इतनी ज़रूरी लगने लगती है, ऐसा लगता है कि बस यही सब कुछ है। तो बस वही मैं बना के लाई हूँ और ठंडी होने से पहले मैं पी लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ और फिर चलेंगे किचन में कुछ कुछ काम। और ये देखिए, मैं चाय पी रही हूँ, साथ में आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी दे रही हूँ। तो ये मॉर्निंग में जो ये समय मिलता है बहुत बढ़िया होता है। बहुत मतलब ऐसा होता है कि हम इस टाइम पे ना अपने लिए टाइम स्पेंड करते हैं। और मैं भी चाय पी रही हूँ और अकेले ही पी रही हूँ क्योंकि बाकी लोग पी चुके हैं। और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी किचन में, देखूँगी कुछ फ्रूट्स होंगे तो कट करूँगी। तो ये देखिए, मैं किचन में आ गई हूँ, दाल भी मैंने चढ़ा दी है। तो मेरे काम ऐसे ही होते हैं, पहले से आप लोगों को मैंने बता रखा है कि मैं हमेशा पैरलर में ही काम करती हूँ, एक के साथ एक दूसरा काम मेरा चलता रहता है। तो ये मैंने पपाया कट किया है। हमारे यहाँ ना इस टाइम पे ना मोस्टली मतलब हर दिन पपाया खा रहे हैं। रीज़न ये है कि गांव में बहुत सारा पपाया लगा हुआ था और वो एक साथ यहाँ पे आ गया था। तो बस सारे लोग सुबह मॉर्निंग में नाश्ता सबका यही हो रहा है, सबको बहुत पसंद भी आ रहा है क्योंकि घर के पपाया और मार्केट के पपाया में बहुत फ़र्क होता है, बहुत टेस्टी और बहुत यमी है। तो वही मैं कट करके इनको दे दूँगी। और देखिए इतना सारा ये लेके बैठ गए हैं और बोल रहे हैं, पहले तो बोला मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन इसके बाद अब ये बोल रहे हैं कि नहीं बहुत टेस्टी है, मैं सारा खा जाऊंगा। तो बस वही मैं हंस रही थी इनकी बातों से। और मैं साथ साथ ना आलू भी लेके आई हूँ, तो वही मैं आलू भी कट कर रही हूँ। आज मैं सब्जी में बनाने जा रही हूँ आलू की भुर्जी, जो बहुत बढ़िया सब्जी होती है। जब कुछ भी ना हो घर में, बस आलू रखे हों, तो आप इस तरीके की सब्जी ज़रूर बना के एक बार ट्राई करिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। और आप लोगों ने देखा मैंने कैसे आलूओं को ना एक कपड़े में लपेट के रख दिया था, जिससे उसका पानी पूरा उसमें ड्रेन आउट हो जाए। तो ऐसा करने से ना आपकी जो ये भुर्जी बनेगी थोड़ी क्रंची सी बनती है और बहुत बढ़िया लगती है। तो देखिए अब मैं इसको बस थोड़े से ऑयल में जीरे का तड़का और थोड़ी सी मैंने इसमें मिर्च मिला दी है, तो बस इसको थोड़ा सा सही। और इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा ढक दूँगी, ढकने से ना हल्की सी इसमें मतलब थोड़ा सा ये अच्छे से पक जाएगा। और जैसे ही पक जाएगा फिर इसको मैं ओपन करके ही पका लूँगी। तो ये देखिए मैंने थोड़ा इसको ढक दिया था और ये देखिए जो मैं बोल रही हूँ ना, इसमें क्रंचनेस आ जाती है, तो ये कुछ कुछ ऐसी हो गई है। तो ऑयल आपको इसमें ज़्यादा नहीं डालना है, यदि आप इसमें ज़्यादा ऑयल डाल देंगे तो आलू सिंपल सा नरम हो जाएगा और फिर वो इतना टेस्टी नहीं लगता। तो हल्के से तेल में इसको बनाना है, तो ऑयल आपको कम ही डालना है, ठीक है। तो अब मैं इसमें डाल दिया है मैंने थोड़ा सा मतलब हल्दी पाउडर और थोड़ा सा नमक, मतलब नमक आपके स्वाद के अनुसार। और ये देखिए मैं तड़का प्रिपेयर कर रही हूँ दाल के लिए, तो तड़के वाली दाल के साथ ये भुर्जी एक बार बनाइएगा, मज़ा ना आ गया ना तो कहिएगा। तो बस वही मैं बना रही हूँ। तो साथ साथ में काम चलते भी रहते हैं और आपसे आके बात करने का भी
एक बहुत अच्छा सा मौका मिल जाता है मुझे, तो वही सब कुछ हो रहा है। और आपको पता है आज मैं खाना बना ही रही थी, और मतलब कभी ऐसा होता है खाना बना के रख दो फिर भी खाना खाने नहीं आते, और आज ना मैं इतनी आनंद फानंद में मैंने खाना बनाया, और ये देखिए मैं रोटी सेकने लगी हूँ। और अब चलिए मैं आपको बताती हूँ आज की कहानी। ना जल्दी जल्दी करके लेट हो रहा हूँ, लेट हो रहा हूँ, परेशान कर दी है आज। 9 बजे खाना, 9:30 बजे से लग गई हूँ मैं खाना बनाने, अचानक इनको जाना है जल्दी से। ये भुर्जी बन गई है, बस थोड़ा सा लाल लाल में दिख रही थी तो मैंने कहा थोड़ा और क्रंची कर देती हूँ। ये लगभग हो गई है, इसको मैं कर दूँगी बंद, और मैं लगाती हूँ अब थाली। रोटी बेल दूँ फिर थाली लगाते हैं। तो आप लोग भी देखिए कितना जल्दी जल्दी खाना मैंने बना लिया। और पता है आज क्या हुआ, आज मैं चावल जब धुलने के लिए चावल निकाल रही थी तो चावल की टंकी में मुझे कुछ मिला, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए दो दो सीताफल, साइज देखो इनकी, साइज कितनी बड़ी है। और ये दो पापा रख के गए थे, पापा गाँव चले गए हैं तो पेड़ में वैसे अब लगे नहीं है, एक दो कहीं कहीं दिख जाते हैं, तो ये दो दिखे थे तो इसमें उन्होंने पीछे साइड लगा के और रख दिया था कि पक जाए, और ये पक गया है, चावल की टंकी में डाला हुआ था तो बहुत बढ़िया पका है, लेकिन अभी खाऊंगी नहीं, शाम को खाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले थाली लगा देती हूँ क्योंकि इनको जाना भी है, तो मैं फटाफट थाली लगा दूँ तो रोटी मेरी सिकती रहेगी। दाल मखनी नहीं है, सिंपल सी दाल है। और आज पालक वाले को तकी रह गई पर पालक कोई आया नहीं, तो ये है दाल, और इस पे डालूंगी मैं घी और रोटी को पलटा दूंगी, इस पे मैं डालूंगी घी और इस सब्जी को भी डाल दूंगी। थाली में ही डाल देती हूँ क्योंकि खाने में तभी मजा आएगा इसको। और ये खूब सारी मिर्ची डाली है मैंने, तो ये मिर्ची ये हो गई, और लगा देती हूँ रोटी में घी और दे देती हूँ खाना। तो ये लग गई है थाली, मैं जाके दे देती हूँ, और आप लोग भी खा लीजिए। आलू की भुर्जी, दाल रोटी, अभी चावल कुकर में है ना, बाद में मिलेगा। तो चलिए खाते हैं। वीडियो को आप लोग लाइक कर लीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।